हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मालपुआ की रेसिपी। मालपुआ जो होता है ये यूपी की फेमस रेसिपी है, स्वीट्स की रेसिपी है, मतलब मिठाई मीठे वाली रेसिपी है ये। और ये काफ़ी हेल्दी काफ़ी टेस्टी बनती है। और इसको बनाने वाली हूँ अपने पैन में, तो इसमें ज़्यादा ऑयल या फिर ज़्यादा घी लगने वाला नहीं है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हम इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा, आटा यानी कि रेगुलर आटा, व्हीट फ्लावर लिया है मैंने, उसके बाद मिल्क ले लिया है मैंने, उसके बाद यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिया है मैंने। यहाँ पे काजू बादाम लिया है, आप चाहे तो किशमिश, थोड़ा सा किशमिश भी ऐड कर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं ड्राई फ्रूट जो खाना पसंद करते हैं आप। थोड़ा सा जैगरी ले लिया है, गुड़, आप इसमें शुगर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम वन बाय वन जो व्हीट फ्लावर है सब में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा नट्स है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा गुड़ यहाँ पे ऐड कर, जैगरी ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा मिल्क, मिल्क आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐड करते जाना है। और जो कंसिस्टेंसी है एकदम रनिंग नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए बैटर। इसमें आप चाहे तो एकदम फ्लफी बनाने के लिए इसमें आप शुगर, इनो जो फूड सॉल्ट होता है वो आप डाल सकते हैं, बट इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, मैंने मिक्स कर दिया है। ये हेल्दी इसलिए क्योंकि इसमें जैगरी का यूज़ किया है मैंने, बहुत लोग जो होते हैं शुगर का यूज़ करते हैं, तो इसको आप जो है बच्चों को आराम से दे सकते हैं। और इसको जो भी इंग्रेडिएंट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, एक बार आप जरूर चेकआउट करें। अब इसको अपने पैन में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर बटर ले लिया, बटर या घी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जब सारे होल्स में अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे बटर से, और जो हमारा बैटर है उसको हम इसमें होल्स में सारे भर देंगे। आप इसको घी में फ्राई भी कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है घी काफ़ी लग जाता है और इसे काफ़ी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी बनेगा, और इसमें ज़्यादा घी और ऑयल भी नहीं लगता है। और इसको आपको ना मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेना है, और ये काफ़ी हेल्दी होता है। इसमें आप जैगरी यूज़ करना हो सके तो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आप व्हीट फ्लावर में थोड़ा सा यहाँ पर आप सेमोलिना यानी कि रवा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको पलटने से पहले हम दूसरे साइड से ऊपर से थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे बटर को, उसके बाद हम इसको दोनों साइड से कुक कर लेंगे, तो इससे कम ऑयल या फिर कम घी में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। कभी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो हल्के हल्के से थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं, बट कुछ नहीं, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है जो कॉर्नर्स होते हैं। तो देखा आपने कितना अच्छा से हो गया, ये फूल गया है। अब इसको मैं यहाँ पे सर्व कर लूँगी, तो इसको आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बनता है। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो उनको आप दे सकते हैं। सो देखा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है, ये आप लोगों के लिए है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें एंड देन मुझे कॉमेंट करना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।